दोस्तों वेलकम टू गोड़ाज इन्फोटेक। आज हम खेलेंगे फ्लिपकार्ट के सबसे फनी कौन, और आज के मुकाबला में है, आज एपिसोड फोर है, फोर्थ एपिसोड इसका है, और आज कंटेस्ट है बिटवीन हिमांशु एंड गौरव। सो गाइस लेट्स रेट हिमांशु एंड गौरव आफ्टर एनालाइजिंग देयर परफॉर्मेंस। चलेंगे एक दूसरे में बनी चाल, जिसे देख के आपका हो जाएगा हंस हंस के बुरा हाल। क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया, आप बताओ। हर मर्द तो दोस्तों कविता में फिरोए कुछ विचार है। हिमांशु बवंडर जी अभी पहले परफॉर्मेंस देंगे, तो देखते हैं उनके परफॉर्मेंस। छोटे शहर की, बड़े शहर के घर और छोटे शहर के घर। सर आपके वहाँ बड़े शहर के घरों में अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लॉकर्स हैं, ज्वेलरी के लिए अलग, कैश के लिए अलग, डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग। हमारे वहाँ सर लॉकर का कोई सिस्टम नहीं है। आपको 2-5 के सिक्के दाल और आटे के डब्बे में मिल जाएंगे। आटे के डब्बे में कभी कभी 50 का नोट। सर वो 50 के नोट की घटना तो तब घटती है जब आटा गूंथ लिया जाता है, रोटी पका ली जाती है, रोटी खा ली जाती है, फिर जब डकार आती है तो अंदर से आवाज आती है, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने सुना हिमांशु जी को, और हिमांशु जी का बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने एक मतलब कॉमन जो लाइफ में जो सब घटता है उसको लेके अच्छे से रिप्रेजेंट किया, और काफ़ी अच्छे पंचेस भी उन्होंने मारा, तो मुझे तो अच्छा ही लगा, मज़ा भी आया। तो मैं 5 उनको देना चाहूँगा। तो आप भी देखो, आप भी रेट करो। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, स्टेज प्रेजेंटेशन और उनकी जो नाना पाटेकर टाइप डायलॉग था वो भी बड़ा सही था, अच्छा लगा। तो दोस्तों हमारे साथ अभी आने वाले हैं गौरव, चलिए उनके परफॉर्मेंस देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सुना गौरव जी को, पहले तो उनका थोड़ा सा इतना स्पीड नहीं पकड़ रहा था, लेकिन एंड होते होते उन्होंने सही स्पीड पकड़ा, और पूरा जो प्रैक्टिकली जो होता है रोड ट्रिप पे उसको उन्होंने बड़े सही से एक्सप्लेन किया है, मतलब काफ़ी सही, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ है, मतलब रियल लाइफ में यही होता है, मतलब रोड ट्रिप में हम जाते हैं और आते टाइम हिसाब में ही चलता है चीज़ें, तो काफ़ी सही कंसेप्ट उन्होंने बताया। तो दोस्तों अभी टाइम आ गया कि हमें रेट करना है इन दोनों में से, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट किसी एक को तो हमें रेट करना ही है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही है, बट आई विल गो विथ हिमांशु, क्योंकि उनके प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छे थे और उनकी थोड़ी सी मतलब वो नाना पाटेकर जी की डायलॉग और उनके जो निमिक बोलते हैं वो उन्होंने किया था, बहुत ही सही था। तो दोस्तों आप भी देखो और इसको इंजॉय करो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये कॉमेडी सुन के, थोड़ा फ्रेश भी माइंड होता है इससे, तो कॉमेडी तो लाइफ में चाहिए ही। चलिए दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।